और बी का रिलेशन हमें पढ़ना है, और उससे पहले मैं थोड़ा इसके बारे में बता दूं, इसको कहते हैं ऑपरेटर। क्या कहते हैं? ऑपरेटर। और इसका मतलब होता है बच्चों डेल बाय डेल एक्स आई डेल बाय डेल वाई जे होता है। ठीक, अब इस ऑपरेटर को डिफरेंशिएट करने के लिए लगाया जाता है। क्या करने के लिए? और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसी क्वांटिटी तो डिफरेंशिएट करने के लिए वेक्टर क्वांटिटी यूज की जाती है। ये वाली इसको हम नया एक ऑपरेटर कहते हैं। तो अब इस ऑपरेटर को यानी एक वेक्टर क्वांटिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर क्वांटिटी के साथ लगा दें, तो आपको क्या मिलेगा? वेक्टर को स्केलर के साथ लगाएंगे तो वेक्टर मिलेगा ना? क्या मिलेगा? समझ गए? वेक्टर को किसी नंबर के साथ लगा दें। किसके साथ? नंबर के साथ। किसी नंबर के साथ यानी कांस्टेंट के साथ, तब तो कुछ नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा। वेक्टर को, ये वेक्टर है, किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें तो क्या मिलेगा? स्केलर। और किसी वेक्टर को वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो फिर क्या मिलेगा? कहने का मतलब ये है कि किसी वेक्टर क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करने पे अगर वेक्टर ही आए, किसी वेक्टर क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करके क्या लाना है? एक वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है ना, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन लाना है, वैसा होगा। किसी वेक्टर क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करके क्या लाना है? वेक्टर। तो हम क्या करेंगे? समझ में आया मैंने क्या कहा? क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। किसी वेक्टर को डिफरेंशिएट करने से अगर स्केलर क्वांटिटी आ जाए, ऐसा कोई क्वांटिटी वेक्टर हो जिसको डिफरेंशिएट करने से क्या मिले? स्केलर मिले। तो हम ये करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, नंबर का कोई मतलब है नहीं। और किसी स्केलर को डिफरेंशिएट करके वेक्टर लाना है तो ये करेंगे। ठीक है ना? इसको कहते हैं, इसको कहते हैं कर्व। ठीक है ना? कर्व, सी यू आर एल, कर्व। ठीक है ना? इसको कहते हैं ग्रेड। क्या कहते हैं? ग्रेड। और इसको कहते हैं डाइवर्जेंस। अपने काम का उतना नहीं है लेकिन सबका एक नाम है, आगे पढ़ोगे तुम बीटेक में या आगे पढ़ोगे। लेकिन ये पक्का है कि ये एक वेक्टर क्वालिटी है जो डिफरेंशिएशन के काम आती है, और जब डिफरेंशिएशन करने में यानी इसको किसी के साथ लगा देने पे, इसको किसी के साथ लगा देने पे उसको डिफरेंशिएट कर देता है, ये तो पक्का है। लेकिन डिफरेंशिएट करके हमें चाहिए क्या, उसके हिसाब से हम ऑपरेट करते हैं, उसको लगाते हैं, यूज करते हैं। स्केलर से वेक्टर लाना है, कुछ मत करो। स्केल वेक्टर से स्केलर लाना है, डॉट प्रोडक्ट ले लो। वेक्टर से वेक्टर लाना है, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। और कुछ हो सकता है क्या? ये तीन चीज क्लियर हो गई। अब बताओ हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलती है, यानी स्केलर को डिफरेंशिएट करके क्या मिल रही है? स्केलर को डिफरेंशिएट करके क्या मिल रहा है? वेक्टर। क्या लगेगा इसमें से? स्केलर को डिफरेंशिएट करके वेक्टर कौन सा निकाल रहा है? ये वाला। तो हम इस तरह से यूज करने वाले, यानी ये चीज यूज करने वाले। किसी वेक्टर को डिफरेंशिएट करके वेक्टर मिलता तो ये यूज करते, किसी वेक्टर को डिफरेंशिएट करके स्केलर मिलता तो ये यूज करते। समझ गए सिंपल सी बात? कौन मिल रहा है किससे, उसके हिसाब से हम लगा देंगे। कोई बड़ी चीज है क्या ये? क्लियर हो गया एकदम? यस। चलो हम मिटाते हैं, सही है? एक सही इक्वल टू रो अपॉन वैल्यू शायद, इसको कहते हैं मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लेके, यानी वेक्टर का वेक्टर के साथ
डॉट प्रोडक्ट लेने से स्केलर आना चाहिए ना, चार्ज डेंसिटी। नेट पे जरा एक मिनट सर्च मारो जल्दी से, फर्स्ट मतलब इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस, मैक्सवेल इक्वेशन जल्दी से कोई एक जन मैक्सवेल इक्वेशंस उसमें लिख दो, मैक्सवेल इक्वेशन मिला यही है, समझ गए। ये डेंसिटी कौन है, ये कौन सी डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी सही है। तो मैक्सवेल इक्वेशन अपने कोर्स में नहीं लेकिन क्वेश्चन इस पे पूछ देता है, इस पे क्वेश्चन पूछ देता है, चाहो तो साइड में कहीं टॉप पे कॉपी पे क्या लिखा है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपरेट करने से डॉट पॉइंट दिख रहा है, ऑपरेट करने से हमें क्या मिल रहा है स्केलर, और वो स्केलर नहीं मिल रहा है चार्ज डेंसिटी। मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल के चार इक्वेशन है ना, रिवोल्यूशनरी इक्वेशंस है पता है आपको, उसके बनने के बाद ही हमें समझ में आया कि फिजिक्स कुछ यूनिफाई हो सकती है, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफाई हो गया एक साथ हो गया तो सबको लगने लगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड भी हो सकती है। वैसे अभी तक हुई नहीं है, कोशिश जारी है, लेकिन कोई दो एक अगर दो अलग अलग फिनोमिना को हम एक सेट ऑफ इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो हो सकता है ग्रेविटेशनल फील्ड को भी एक्सप्लेन कर दें, और अगर इसको एक्सप्लेन कर दें तो फिर नेचर में चार ही फोर्स है कि नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक हो गया, नहीं तो पहले इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होता, ग्रेविटेशन भी अगर उसमें जुड़ जाए और किसी तरीके से वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर भी जुड़ जाए तो इसका मतलब एक इक्वेशन पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर सकता है। तो समझ में आने क्या कहा, कोशिश यही है फिजिसिस्ट की, क्या है फिजिक्स की कोशिश समझ में, कि यूनिफाई कर एक इक्वेशन, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग टाइप का सही। नेट पर सर्च मारोगे तो नई नई थ्योरीज जो आ रही है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक ही कुछ ही इक्वेशन से एक्सप्लेन कर देना ही उनका एम है, समझ गए। अरे बोलो yes, तो ये छोटा सा पॉइंट केवल एक एग्जांपल के लिए मैंने बताया, जबकि ये काम भी आ सकता है तुम्हारे उसमें, ठीक है ना, लेकिन ये एग्जांपल है कि किसी वेक्टर को वेक्टर के साथ मतलब किसी वेक्टर को डिफरेंशिएट करके स्केलर आए, इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। फिलहाल क्या मैं ये समझा पाया हूँ, तो बस अब है क्या, अब क्या बच्चों वाली चीज है। तो अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम जानते हो या ऐसा करते हैं, सॉरी यहां से चलते हैं, छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है कि नहीं, या एक्सटर्नल फोर्स है, या माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पर यूनिट ऑफ चार्ज, यही होता है ना। और माइनस साइंस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू ई डॉट डी आर, अरे होता है ना, बोलो बोलो पर यूनिट ऑफ चार्ज, क्यू से क्यू कट कट, तो डी वी इक्वल टू कितना हो गया, डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर हो गया कि नहीं। अब ये डी आर अगर इधर आए तो हम कह सकते हैं कि डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू माइनस ई, ये कब हो, जब पोलर फॉर्म में कार्टिजन ना हो, ये कार्टिजन है, ये पोलर फॉर्म है, यानी पोलर फॉर्म में हमने क्या देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को निकालने के लिए ठीक है ना क्या करना पड़ेगा, या मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए आर के फॉर्म में होगा ना, मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए डी वी बाई डी आर करना पड़ेगा, यानी तुम मुझे पोटेंशियल दो मैं डिफरेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड दे दूंगा इन टर्म्स ऑफ आर, जैसे चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होता है, भाई आप डिफरेंशिएट कर दो, समझ गए इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, समझ गए पोटेंशियल पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल रहा है आर के रिस्पेक्ट में, क्यों पोलर फॉर्म में है, और पोलर फॉर्म में हमने क्यों जो निकाला है वो क्या निकाला है, आर के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सही ना। ये तो गया इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डायरेक्ट निकलती है, किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में, कार्टिजन फॉर्म में क्या होता है वो ये पोलर फॉर्म। अब कार्टिजन फॉर्म में अगर देखेंगे तो क्या होगा, कार्टिजन फॉर्म में देखेंगे तो ऑपरेटर इंटू वी, वी मतलब पोटेंशियल, इंटू वी विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स इलेक्ट्रिक वेक्टर, वेक्टर सही, ये स्केलर है पोटेंशियल और ये वेक्टर है, तो बीच में क्या रखो डॉट क्रॉस, क्या रखो
कुछ भी नहीं। अगर ये वेक्टर होता तो डॉट क्रॉस रखते ना, जैसे थ्री आई, थ्री आई में बीच में कौन है? कुछ भी। अरे कोई समझे? थ्री आई में वेक्टर में मतलब बीच में कुछ भी नहीं, वेक्टर को वेक्टर के साथ डॉट क्रॉस करने से आई और जी की बात आती है, सही ना। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्या डिफरेंस है? ये ऑपरेटर कौन है? डेल बाई डेल एक्स बी आई, क्या समझा पाया प्लस डेल बाई बी और डेल बाई डेल जेड बी के। और ये सब किस में होगा बच्चों? माइनस टाइम्स होगा। क्यों माइनस टाइम्स होगा? क्योंकि ये फील्ड जो है हमारी कौन सी आ रही है? कंजर्वेटिव आ रही है, जबकि डेफिनेशन में वर्क डन जो होता है वो किसके कारण होता है? एक्सटर्नल कारण, तो कंजर्वेटिव उसका उल्टा होता है, माइनस से आता है। कोई दिक्कत? इसका मतलब ये सिंपल सा हम क्या कर रहे हैं, अब इसका मीनिंग समझो। ये तो हम ठीक है, थोड़े थोड़ा मैथमेटिकल दिख गया, इसका मतलब समझो। डेल का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, डेल का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। और पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y और z को क्या माना जाएगा? समझ गए? लेक्चर में लिखने का तरीका ये है, डेल v / डेल x और यहां पे साइड में लिखते हैं x and y इज कांस्टेंट, ऐसे लिखने का तरीका वो होता है, यानी दिमाग में रखो कि x and y उस समय क्या होगा? कांस्टेंट। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y x मींस x एंड सॉरी y एंड z विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, इसका मतलब ये एंड सो ऑन, ऐसे इसमें भी x एंड z x एंड y क्या माना जाएगा उसमें? कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। कोई दिक्कत? आसान है ये सर, नोट करिए, खत्म करिए। ठीक, थोड़ा सा सोच, थोड़ा सा रुक के बैठ के आराम से सोचना चाहिए। ओके सही है, ये छोटी सी बात समझ में आई, पार्शियल का मीनिंग समझ में आया। इस पार्शियल की मीनिंग को समझाने के लिए मैं इसमें नहीं पहले वो क्वेश्चन करा देता हूँ जो कल आप लोगों ने मुझसे पूछा, इस पार्शियल की मीनिंग समझाने के लिए। पार्शियल का मतलब है एक्स में जाने से, एक्स में चेंज करने से वी में कितना चेंज, वाई में नहीं जाना है, केवल एक्स में जाएं तो वी में कितना चेंज। इसका मतलब है केवल वाई में जाएं तो वी में कितना चेंज। अरे कोई समझ में आया? केवल जेड में जाएं तो वी में कितना, केवल जेड में, इसका मतलब समझाने के लिए फिर आते हैं इसके इक्वेशन पे आते हैं, पहले उसको समझा देते हैं। मिटा उसको, कल एक क्वेश्चन आप लोगों ने ये पूछा था, कुछ लोगों ने मुझसे पूछ रहे थे, मैंने कहा आज बता दूंगा। ये कौन है पता है? इसको ध्यान से सोचो कि ये ग्राफ है किसका, ध्यान सोचोगे तो नहीं आएगा समझ में, उल्टा हो जाएगा, डर लगने लगेगा। अभी ध्यान से नहीं सोचोगे तो कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। कौन है ये पता है? ग्राफ है किसका? ग्राफ है ये एक्स है ना, ये कौन है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। हाँ ये वाई, मतलब वाई माइक्रोटेक्स नहीं, ये वाई है और ये एक्स है, और ये है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इसका मतलब कि ये वाई और एक्स हमारा एक जगह है ऐसे, एक्स और ये वाई है, और इस पूरे सरफेस पे पोटेंशियल हर जगह क्या है? सेम। समझ गए? पोटेंशियल क्या है हर जगह? सेम। हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके पैदा एक और सरफेस ले तो यहाँ पे वाई पोटेंशियल एक कुछ और है और सेम है। जैसे यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ 40 वोल्ट है, यहाँ पे 30 वोल्ट है, यहाँ पे 20 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, एंड सो ऑन। समझ गए? माइनस भी हो सकता है, प्लस। क्लियर है सबको? इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल कितना है? 40। इस पूरे सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल कितना है? 40। सही है, मतलब समझ गए क्या मतलब? तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है तुम सोचोगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस को एक बार सोचो,
इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब इक्वी टेम्परेचर सरफेस, और इक्वी टेम्परेचर सरफेस में हीट ट्रांसफर होती है। अगर हर जगह टेम्परेचर सेम हो तो हीट ट्रांसफर होगी, अरे बोलो, इसका मतलब चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, इसका मतलब चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी तो फोर्स लगेगा तो चार्ज ट्रांसफर होगा ना। मजा नहीं है, मजा नहीं है। फिर से मैंने कल बताया था कि पोटेंशियल इज जस्ट लाइक ए टेम्परेचर एंड हीट इज जस्ट लाइक ए चार्ज, ऐसे बताया था ना। तो अगर किसी जगह पे टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब क्या डिफरेंस नहीं है? टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है। टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो हीट का ट्रांसफर नहीं है, और हीट का ट्रांसफर नहीं है तो चार्ज का ट्रांसफर नहीं है। सिमिलर है ना, चार्ज का ट्रांसफर नहीं है, और चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा है यानी चार्ज मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब चार्ज कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और चार्ज पे फोर्स नहीं लग रहा है तो इलेक्ट्रिक जीरो है। चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है इलेक्ट्रिक जीरो। लॉजिकल है, सिंपल ना। इसका मतलब, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका मतलब इस सरफेस पे क्या इधर कभी चार्ज जाएगा? इधर तो जाएगा ना, क्या इधर जाएगा? इसका मतलब कि इधर कोई चार्ज नहीं जाएगा। एक चीज याद रखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कभी भी चार्ज अलोंग द सरफेस नहीं जाएगा। इसे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? अलोंग द सरफेस कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, चार्ज मूव नहीं करेगा, इसका मतलब चार्ज पे फोर्स नहीं लगेगा। चार्ज पे फोर्स नहीं लगेगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। किधर की तरफ? इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्रॉस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किधर? परपेंडिकुलर। तो आगे से याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, सुना कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अब यहां से इतना तो पक्का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, है कि नहीं? इसके परपेंडिकुलर होगी ना, होगी। सारी ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ गए? एक तो इस ग्राफ से कंक्लूजन निकल गया, थोड़ा सा कुछ मुझे देना चाहिए। मान लो ये एंगल 60 है, मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, एंड सो ऑन, इधर से दिया हुआ है, ठीक है? तो क्वेश्चन पहले समझ में आया क्या है? बोलो, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके परपेंडिकुलर होती है, ये हमने कंक्लूजन निकाल दिया, यानी ये चीज तो डायरेक्ट यहीं से निकल जाएगा कुछ, देखते हैं। लेकिन हम अपना जो वो लिख रहे थे ना अभी लिखे, तो उसका मतलब समझो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू डेल वी बाय डेल एक्स, यही है ना, माइनस साइन। इसका मतलब माइनस साइन, वी टू माइनस वी वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, है कि नहीं? वी टू माइनस वी वन, कोई दो पॉइंट ले लो, कोई भी दो पॉइंट, मान लो ये पॉइंट ए ले लिया और ये बी ले लिया, या ये वन ले लिया और ये टू ले लिया, समझ गए? तो वी टू बताओ, वी टू 20, V1 30, X2 2, X1 1 सेंटीमीटर। बेटा बता दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आगे काम करता है, स्टोरी क्लियर एकदम? स्टोरी क्लियर एकदम? बस ऐसे निकालते हैं, ऐसे, यानी केवल X में देखा, Y में नहीं देखा, केवल X में देखे, केवल X में चेंज, X में पोटेंशियल चेंज और X में डिस्टेंस चेंज, X में यहां से यहां जाने में डिस्टेंस चेंज और एक्स में ही पोटेंशियल चेंज। वाई का कुछ देखा क्या हमने? सुना कि नहीं सबने? अच्छा, ऐसे ही ई वाई अगर चाहिए तो माइनस टाइम्स वी टू माइनस, अगर कोई दो पॉइंट ले लो, इधर देखो कोई दो पॉइंट ले लेते हैं, ये देखो ये दोनों पॉइंट ले लेते हैं, इसको थ्री कर देते हैं और इसको फोर कर देते हैं, तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस वी फोर माइनस वी थ्री अपॉन वाई फोर माइनस वाई थ्री। अरे कुछ समझ में आया? केवल वाई देखना है, ठीक, माइनस साइन, वी फोर बताओ 20, वी थ्री बताओ 10 अपॉन वाई फोर, ये कितना है 8, ये कितना है 60, तो ये कितना होगा 60, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 1060 ना, तो 1 सेंटीमीटर का 1060, 1 सेंटीमीटर का 1060, यही आएगा ना सीधा y4 माइनस y3, अरे y4 माइनस y3 यही आएगा ना सीधा, मैं सीधा वैल्यू करके सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया सबको? क्या सिखाना चाह रहे थे यहाँ से? मत देखो कि ये ग्राफ कैसा है, भूल जाओ,
सीधा देखो कि x1 पे पोटेंशियल कितना है और x2 पे पोटेंशियल कितना है, बस। तो v2 minus v1 upon x2 minus x1, ऐसे सेम 3 और 4 के बीच में, 4 पे पोटेंशियल माइनस वी पे पोटेंशियल इक्वल टू 4 पे y, अरे अपॉन 4 पे y माइनस 3 पे y, काम है। ऐसे ही किसी भी दो पॉइंट के बीच में हो सकता है दो, लेकिन अगर टोटल लेफ्ट डिफिन चाहिए तो इधर देखो बच्चों, टोटल लेफ्ट डिफिन मान लो इन दोनों के कारण, अगर ऐसे ना करके सीधा लेफ्ट डिफिन निकाल दें, टोटल लेफ्ट डिफिन ऐसे कुछ निकलेगी? अरे बोलो, ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली है ना, ये डिस्टेंस कितना है, कौन बताएगा ये डिस्टेंस? 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 माइनस 2 का साइन 60 है कि नहीं बच्चों, ये टोटल डिस्टेंस है। अच्छा, अब टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक टोटल पोटेंशियल 40 माइनस 30 अपॉन कितना, 40 माइनस 30 अपॉन डिस्टेंस कितना, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 साइन 60, ये इसका मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक का, और डायरेक्शन तो दिख रहा है ना, हाई से लो, अरे बोलो, तो इसका एक कंपोनेंट ये जो इलेक्ट्रिक फील है, इसका एक कंपोनेंट ये आ जाएगा, वही ईएस हो जाएगा, और एक कंपोनेंट ये आ जाएगा, वही कौन हो जाएगा, ई वाई, और ये एंगल 60 पता है तो ये भी पता हो जाएगा ना, 30, बोलो भाई, तो ये 30 हो जाएगा, और 30 हो जाएगा तो तुम निकाल लोगे ना सारा ई वाई, ई ये ई है जो यहां से आया, तो ई एक्स क्या हो जाएगा यहां से, अल्टरनेट मेथड, ई एक्स क्या हो जाएगा डायरेक्ट, ई का कॉस, और ई वाई कितना हो जाएगा, ई का साइन, माइनस साइन क्यों नीचे है, इसलिए तो समझ में आया, तो इस तरह से भी कर सकते हो, यानी एक तरीका है पार्शियल से, एक तरीका है टोटल निकाल के रिजॉल्व करके, समझ गए, जल्दी एससीबी में ग्रेविटेशन में सेम क्वेश्चन है, एससीबी में ग्रेविटेशन में सेम क्वेश्चन है, तो ग्रेविटेशन एक बार ट्राई तो कर सकते हो। तो यहां से एक तो ये आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, पैरेलल नहीं होता, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल नहीं होगा, सुना क्या सबने, तो ये चीज एक तो याद कर लो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नेचुरल लाइंस की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, विल बी व्हाट, परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस, हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, कौन है ये इक्विपोटेंशियल, कोई इलेक्ट्रिक लाइन ड्रॉ करेगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, कोई इलेक्ट्रिक लाइन ड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रिक लाइन हमेशा सरफेस से क्या होगा, समझ गए, आईटी में हुआ क्वेश्चन है, चार ऑप्शन दिए हुए थे, सही, थोड़ा पुराना नहीं होगा उसमें, चार ऑप्शन दिए हुए थे, उस चार ऑप्शन में हर एक को इधर देखो, हर एक को उठा के इसके ऊपर रख दो दिमाग में, अगर वो परपेंडिकुलरली कट कर रहा है सबको